मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें जीत चुकी है, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में इतनी बम्पर जीत के बावजूद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले छिंदवाड़ा जाते हैं, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़, और आज वो पहुंच गए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़, गुना के राघोगढ़। राघोगढ़ एक बड़ा किला है कांग्रेस का, जैसे छिंदवाड़ा एक बड़ा किला है, एक बड़ा दुर्ग है, सुरक्षित दुर्ग है, वैसे ही राघोगढ़। राघोगढ़ पर एक रोचक बात यही है कि यहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि तब वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, उस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को हार मिली थी, ये बात एक रही। अब देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्यों ये दौरे कर रहे हैं, छिंदवाड़ा जा रहे हैं, राघोगढ़ जा रहे हैं, क्यों? इसका बड़ा कारण सीएम शिवराज ने इसे लेकर बताया है कि 29 लोकसभा क्षेत्र, ये बीजेपी का प्लान है। बीजेपी ने क्लीन स्वीप देने का मन बनाया है कांग्रेस को कि 29 लोकसभा सीटें हमें मध्य प्रदेश में जीत कर देनी है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे दौरे की शुरुआत की थी छिंदवाड़ा से, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से इस दौरे की शुरुआत की थी, और आज वो गुना के राघोगढ़ पहुँचे, जो कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का गढ़ है, दिग्विजय सिंह का क्षेत्र है। राघोगढ़ से उनके बेटे यानी कि जयवर्धन सिंह विधायक हैं। सीएम शिवराज ने यहाँ पर रोड शो किया, जनता को संबोधित किया, और साथ ही साथ लाडली बहनाओं से भी चर्चा की। अब सीएम शिवराज के इन दोनों के मायने को भी समझ लीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया, एक और है बीजेपी का ये मिशन 29 को लेकर सीएम शिवराज पूरी तरह से मैदान में हैं, और जनता से भी अपील इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोकसभा में ज़रूर चुनिए। अक्सर क्या होता है कि नेता चुनाव जीतने के बाद मीडिया वाइट्स देते हैं और थोड़ा एक तरह से फ्री मोड में रहते हैं, लेकिन सीएम शिवराज का ये रूप थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए भी है कि अन्य नेताओं को भी इससे सीखना चाहिए कि चुनाव जीतने के बावजूद भी अभी भी कोर कसर बाकी है, और कार्यकर्ताओं को लगा दिया है अगले मिशन 29।